दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भेकली में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व सेवानिवृत्त अध्यापक तेजा ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रधानाचार्य रामकृष्ण ने मुख्य अतिथि को कुलवी टोपी, मफलर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर छात्रों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि ने शिक्षा सहित विभिन्न खेल कूद की गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। मुख्य अतिथि ने बच्चों से पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात कही। तृतीय स्थान भावना 10th क्लास हुआ था, जिसमें प्रथम स्थान कल्पना शिवानी ये थी। हमारा उसमें अच्छे विद्यार्थी होते हुए भी विद्यार्थियों की कमी है। टीचर्स पूरे हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टूडेंट्स की कमी है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, मैं यहाँ पे पिछले 8 महीनों से काम कर रहा हूँ, प्रतिभा को मैंने देखा है। हर बच्चा जो है वो प्रतिभावान है, खासकर लड़कियां बहुत मेहनती हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और इस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आ सकती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कि एक 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 पर्दा सा है, या एक आप कह सकते हैं कि भाई मानसिक जो है वो सोच है कि नहीं, हमने विज्ञान का विषय जो है वो नहीं ले, बच्चे कम हैं। तो मेरी बड़ी हम्बल अपील आपसे है कि आने वाले समय में ये जो कमी है, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन पेरेंट्स ने भी ये चीज समझनी है कि बच्चों में जो है विज्ञान विषय के बारे में जो एक क्यूरियोसिटी है, इसको जागृत करने की हम करेंगे, आपने भी हमारा सपोर्ट करना है, बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि विद्यालय में IT की एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो 2012 से लगातार हमारे यहाँ पे कल्चर की बहुत ही बेहतरीन थी। मैं उनके ट्रेनर को शाबाशी दूंगा, कांग्रेचुलेशन दूंगा, उन्होंने उस प्रोग्राम में, जब यहाँ पर था तो मैं ज्योग्राफी पढ़ाता था, वो जो 3-4 बच्चे देखे मैंने, उनमें से एक ज्योतिका, मैं अभी उनको इनाम दिया, ज्योतिका और विवेक, रोमेश्वरी, एक और लड़की प्रिया, और ये एक वंशिका, इनका मुझे नाम याद भी रह गया। तो इन लोगों ने बहुत सारे मेडल जीते, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। हमारी तरह ज़्यादा पढ़ लिख कर या खूब मेहनत करके किसी सरकारी नौकरी में या प्राइवेट बड़ी कंपनियों में नौकरी करें, तो मैं गया, आज हमें जो ना पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। CD चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।